आपने यह सीलिंग फैन तो देखा ही होगा, पर फैंस के ऊपर ये कैप क्यों लगा होता? कैसा लगेगा जब आप एक सेलिब्रिटी को देखने के लिए अपनी स्कूल फीस ही ना भरो? जी हाँ, इस बंदे ने बस MS धोनी को देखने के लिए अपनी बेटी की पूरी स्कूल फीस ही डाल दी। लेकिन इसकी पूरी स्टोरी जानने के बाद आपको हंसना है या रोना, आप खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे। और हम नेट तो डेटा की वजह से यूज कर लेते हैं, लेकिन ये कौन से सिंपल ट्रिक है जिसमें आप वाईफाई या डेटा के बिना भी इंटरनेट मस्के की तरह यूज कर सकते हो? और आप जो नल में ये कटे देखते हो, ये एक्चुअली में होते किसके लिए है, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और वीडियो में एंड तक बने रहना। फैक्ट नंबर 17, ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल इंसान अपने जिंदगी का अपने 7 साल बस लेटे लेटे निकाल देता है। और लेटे लेटे से यहाँ मतलब है बस बिना सोए, बस पंखे को टुकुर टुकुर देखते देखते। अब सोचो अगर बंदा सो गया तो उसकी जिंदगी के कितने साल बेकार होंगे? 26 साल। जी 26 साल एक एवरेज पर्सन अपने बेड पर सोते हुए निकाल देता है। फैक्ट नंबर 16, इंस्टाग्राम देखते हो, स्नैपचैट भी देखते हो, बड़ा मजा भी आता है देखने में। लेकिन एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से जो कि 1500 टीन्स एंड यंग लोगों पे किया गया था, इससे पता चला कि इंस्टाग्राम आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। और ये टीन्स और यंग लोगों ने खुद एडमिट भी किया है, मतलब हमारे यूथ ऐसे ट्रैप में फंसते जा रहे हैं जहाँ से निकल पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे स्टडीज में स्नैपचैट सेकेंड नंबर पर आ रहा है। फैक्ट नंबर 15, थोड़ा अपनी जीभ निकालना। हाँ, जीभ यानी कि आप टंग निकालो, एक बार निकाल लिया, कितने सेकंड में निकाला होगा? महज 1 सेकंड में। लेकिन ऐसा मगरमच्छ नहीं कर सकते, यानी अगर आपको इन्हें चिढ़ाना है तो सिंपली आप इन्हें जीभ दिखाकर चिढ़ा सकते हो। क्रोकोडाइल ऐसा इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि उनमें मेम्ब्रेन होता है जो कि जीभ को मुंह की जगह रोक कर रखता है, इसलिए बेचारा क्रोकोडाइल दादा जीभ हमें नहीं दिखा सकते। फैक्ट नंबर 14, सोचो आप ट्रैवल के लिए कहीं जा रहे हो और जाने के बाद आपके फोन का इंटरनेट नहीं चलता, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली लोगों से पूछने लगोगे। लेकिन इमेजिन करो आप दूसरे देश में घूमने जा रहे हो जहाँ के लोग और उनकी लैंग्वेज काफी डिफरेंट है, तब तो आप बस उनका मुंह देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ प्यार, इट्स फैक्ट की वीडियो देखते हो, एक इंटरेस्टिंग हैक बताता हूँ जिससे ये सब चीजें आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिंपली अपना गूगल मैप खोलना है और जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ जाने से पहले वहाँ के रूट्स डाउनलोड कर लेना। ऐसे में आप अपने रूट्स और इवन डेस्टिनेशन ऑफलाइन भी देख पाओगे विदाउट इंटरनेट। फैक्ट नंबर 13, फैंस तो आपने बहुत देखे होंगे, कुछ अतरंगी तो कुछ बहुत सतरंगी, लेकिन ऐसा फैन शायद ही आपने देखा होगा। इस बंदे ने लिटरली अपनी बेटी की स्कूल फीस देने के बजाय जाकर 64,000 में IPL 2024 की टिकट खरीद ली। वैसे ये मैच CSK वर्सेस DC के बीच था और ये जनाब CSK के फैन थे, मतलब अपनी बेटी की स्कूल फीस के बदले मैच देखना कहां तक सही है? यार सच में क्रेजी बंदा है। वैसे आपके अकॉर्डिंग इसने सही किया या नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 12, 10 रुपए में क्या आता है? शायद कुरकुरे का पैकेट, एक लस्सी, 2 सोन पापड़ी। लेकिन अगर आपसे पूछो 10 रुपए के कॉइन को बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कितना खर्च करती है, तो आपको शायद ही पता हो। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत साल के बाद रिवील किया था कि 10 रुपए के कॉइन को बनाने के लिए 5 रुपए और 54 पैसे खर्च होने होते हैं। मतलब एक्चुअल में 10 रुपए की कॉइन की कीमत सिर्फ 5 रुपए 54 पैसे है। ऐसे ही 5 रुपए की कॉइन की कीमत 3 रुपए 69 पैसे है, 2 रुपए की कॉइन की कीमत 1 रुपए 28 पैसे है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली में 1 रुपए की कॉइन की कीमत 1 रुपए 11 पैसा है, मतलब कॉइन की एक्चुअल कॉस्ट से 11 पैसे ज्यादा। फैक्ट नंबर 11, ये सुनकर आपको क्या याद आ रहा है? ज्यादा सोचो मत, मैं पेंगुइन्स की बात कर रहा हूँ। सुनकर आप हंसने लगोगे, ये ऐसा फैक्ट है। ये पेंगुइन्स तो खुद से तो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उन्हें स्ट्रेट पेंगुइन से जलन होती है। और ये जलन इसलिए होती है कि उन पेंगुइन्स के पास तो एग है लेकिन इनके पास नहीं है। अब ऐसे में ये पेंगुइन्स क्या करते हैं कि उनके स्ट्रेट पेंगुइन्स के सारे अंडे चुरा लेते हैं और ऐसे उन अंडों को पालते हैं, मानो कि उनके खुद के बच्चे हो। मुझे लगता था कि ये सब काम इंसान ही करते हैं। फैक्ट नंबर 10, आपने फिल्म में तो कई बार ऐसे सीन्स देखे होंगे जिसमें आदमी का सर धड़ से अलग हो जाता है, फिर भी आदमी टुकुर टुकुर देखते रहता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे सीन ज्यादातर हॉरर फिल्म्स में देखने को मिलते हैं। कैसा लगेगा जब मैं आपको ये बोलूं कि ये कुछ हद तक सही भी है? ऑब्वियसली फिल्म में तो वो सब VFX से एडिटिंग का कमाल होता है, बट रियल लाइफ में ये हो सकता है लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, लगभग 15-20 सेकंड के लिए। और ये वेरी कर सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन एंड सेल्स एक साथ डेड नहीं होते, उन्हें पूरी तरह डेड होने में कुछ समय लगता है। फैक्ट नंबर 9, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, आप लोगों ने कई बार इस बैंक के चक्कर लगाए होंगे। वो बात अलग है कि इस बैंक ने आपको हर बार यही बोला होगा कि अभी लंच है, बाद में आना। जुक सपाट, ये बैंक के जितने कस्टमर्स हैं वो लिटरली US की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ये बैंक अपने 4 कंपटीटर से ज्यादा डिपॉजिट एक साथ संभालती है। इंडिया में जितने फेसबुक और इंस्टा के यूजर्स है उतने तो बस इस बैंक के अकेले कस्टमर्स है। ये सुनकर तो फेसबुक और इंस्टा का तो मोए मोए हो गया होगा। फैक्ट नंबर 8, आप अपने वॉलेट से एक कॉइन निकालो और देखो उस पर क्या लिखा है। अब इमेजिन करो उस पर लिखा रहता है अपने काम से मतलब रखो, तो आपका
का क्या रिएक्शन होगा। ऐसा ही कुछ यूएस की कॉइन पर लिखा था, द फ्यूचर सेंट पर। इसमें ये लिखा था कि माइंड योर ओन बिजनेस, जिसका लिटरली मतलब होता है अपने काम से मतलब रखो। ऐसा कहा जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे डिजाइन किया था। शायद बेंजामिन फ्रैंकलिन सीधी बात नो बकवास पर ज्यादा ही विश्वास रखते होंगे, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन होता है भाई। फैक्ट नंबर 7, सर आइजैक न्यूटन, इन्हें कौन नहीं जानता, इन्होंने ही तो हमारी नींद हराम की थी। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने अपने पैर एक बार पॉलिटिक्स में भी रखे थे। साल 1689 में ये इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट के मेंबर बना दिए गए थे। वहाँ ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते थे और अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में इन्होंने पार्लियामेंट में अपने पगल वाले से बस इतना बोला था, खिड़की बंद कर दो। बस इन्होंने इतना ही अपने पूरे के पूरे पॉलिटिकल करियर में बोला था। वाह भाई। फैक्ट नंबर 6, आपको अश्नीय ग्रोवर पता होंगे, ये शार्क टैंक के इंडिया के मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट शार्क में से एक थे। भारत में छोड़ने के बाद हाल ही में इन्होंने एक नई कंपनी खोली थी अपनी वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर और असीम घवरी के साथ, जीरो पे करके, जो लिटरली इंस्टेंट मेडिकल लोन प्रोवाइड करती है, वो भी 5 लाख तक का, जो आई थिंक बहुत अच्छा स्टार्टअप है। लेकिन ये लोन इनके कंपनी के पार्टनर हॉस्पिटल्स में ही अवेल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये स्टार्टअप चलेगा या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना, मैं भी देखना चाहूंगा। फैक्ट नंबर 5, इस धरती में इतने अतंगी एनिमल्स हैं, फिशेस हैं और जीव हैं। हालांकि ऑक्टोपस ना ही मैमल्स में आते हैं ना ही मछलियों में, ये एक्चुअली सेफलोपोडा क्लास से बिलोंग करते हैं, जिसका मतलब होता है हेड फुट। ये जब मेटिंग के बाद अपने अंडे देते हैं तो लिटरली इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि उन अंडों में से आप साफ साफ बेबी ऑक्टोपस देख सकते हो, और ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग और सुंदर लगता है, लेकिन बस तब तक जब तक इनके मम्मी पापा आपको ना देखे। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका में ऑन एन एवरेज बच्चे का एक दांत टूट जाने पर उनके पेरेंट्स उन्हें लगभग $3 उनके पिलो के नीचे रख देते हैं, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि सच में ऐसी परीवरी जैसी चीज होती है। अब कमाल का है भाई। फैक्ट नंबर 3, चांद पर पहला कदम किसने रखा था, आप सब सोच रहे होंगे क्या फालतू सवाल है, नील आर्मस्ट्रांग ने, राइट, जो ऑब्वियसली सही भी है। लेकिन क्या आपको पता है, नील आर्मस्ट्रांग ने एक नाई को धमकी दी थी, और बात इतनी सी थी कि उस नाई ने नील आर्मस्ट्रांग के बाल बस $3,000 में बेचे थे, जो कि आपके $2,40,000 हुए। हाँ भाई, मतलब नील भैया बाल का अचार डालोगे क्या। फैक्ट नंबर 2, ये नल के ऊपर क्या होता है, उनका काम क्या है, तो ज्यादा सोचो मत, हर चीज का कोई बड़ा रीजन नहीं होता। इनका काम बड़ा सिंपल है, ये एक प्रॉपर ग्रिप आपको प्रोवाइड करता है, जिसे आप इजीली इन्हें घुमा पाओ और पानी भर पाओ। फैक्ट नंबर 1, ये पंखे के ऊपर इस कैप का क्या काम है, क्या पंखे को भी हम इंसानों की तरह सजने संवरने की आदत है, ये बात काफी हद तक सही भी है। एक्चुअली में इस टोपी, मेरा मतलब कैप को पंखे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इस कैप को एक्चुअल में पंखे के अंदर के कॉम्पोनेंट जैसे की कैपेसिटर और मोटर के अंदर धूल या गंदगी ना जाए, इसलिए इनकी कैप के मुंडी के ऊपर ये लगाया जाता है। इनका एक और भी काम है, इन कैप से लिटरली पंखे की घुनघुन की आवाज कम हो जाती है, और आपने भी ये शायद नोटिस किया होगा। भाई इतना सब कुछ तो आपने जान लिया, पर आपको इन फेमस यूट्यूबर्स की रियलिटी अभी तक नहीं पता थी। और आपने ऐसे डायनासोर के म्यूजियम देखे होंगे, लेकिन ये देखो मीम का म्यूजियम, जिसमें आप लिटरली टिकट लेकर कोई भी मीम देख सकते हो। सोचो अगर आपने कोई चीज ऐसी इन्वेंट की जिससे पूरी दुनिया बदल जाए, और इसके बदले आपको सिर्फ 100 रुपए मिले, तो कैसा लगेगा। इस बंदे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, और इसने जो किया वो आपको शॉक करके रख देगा। तो इस वीडियो को आप भी जाके देखो यार, बहुत मजेदार है। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी कर दो, क्योंकि आगे बहुत गजब कंटेंट आने वाला है, और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।